नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। पुलिस का संवेदनशील रवैया एक बार फिर सामने आया है, चाहे उसके लिए कोई नाबालिग जीवन और मौत के बीच झूल रही हो, लेकिन पुलिस को वही करना है जो वह चाहती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है मिर्गवास थाने में, जहाँ एक नाबालिग गंभीर स्थिति में झाड़ियों में पड़ी मिली थी। हालत ये थी कि लड़की के मुंह पर पत्थरों से कई बार बार भी किया गया था, जिसकी शिकायत 13 जून 2018 को मृगवास थाने में शाम के समय की गई। पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर केवल धाराएं 323, 324 और 341 में मामला पंजीबद्ध कर लिया, जिसके बाद लड़की की हालत बिगड़ने पर उसे गुना रेफर कर दिया गया। वहीं नाबालिग की हालत ज्यादा बिगड़ने लगी तो उसे ग्वालियर ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। नाबालिग की मां की माने तो पुलिस ने उसके साथ कोई ठीक रवैया नहीं दिखाया। साथ ही नाबालिग लड़की जिस हालत में पड़ी मिली थी उसका भी रिपोर्ट में ठीक से जिक्र नहीं किया गया और मामूली धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। नाबालिग की मां ने हमें बताया कि बच्ची का बलात्कार करने के बाद मृगवास थाने के ही रहने वाले गोलू ने सर पर पत्थर से कई बार किए और लड़की को मरा समझकर उसके ऊपर कांटे वाली झाड़ियां डालकर वहां से फरार हो गया। वहीं मां ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब उसकी बच्ची ग्वालियर ट्रामा सेंटर में भर्ती थी तब मृगवास पुलिस के दरोगा उनके पास आए और उन्हें धमकाया कि आगे कार्रवाई न करें, नहीं तो अब तक जो धाराएं लगाई हैं वह भी हटा ली जाएंगी। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए धाराओं में इजाफा कर 307 एवं पॉस्को एक्ट में मामला पुनः दर्ज कर लिया गया। वहीं नाबालिग की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है एवं उसको जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। समझ से परे है कि इतने संवेदनशील मामले में मृगवास पुलिस ने गंभीरता से क्यों नहीं लिया और क्यों आरोपियों की तरफदारी करते हुए पीड़ित पक्ष को धमकाया। दिया गया ना उस मार्कशीट के आधार भेज दिया, ये उसकी परिवार आईडी है उसकी, उसकी उसमें उम्र 18 साल है। रात वो पार्टी से आ रही थी तो उसके साथ बोल रहा हूँ कि लड़के ने जबरदस्ती करनी चाहिए, उसको उठाकर ले गया रास्ते में से, उसके साथ गलत काम किए तो बच्ची ने बोला तो फिर मैं मम्मी पापा से बोलूँगी तो उसको मार मार के बेहोश कर दी। बेहोश करने के बाद में उसने सोची मार ली तो उसको झाड़ियों में ले जाकर फेंक दी, उसको ऊपर से झाड़ पट गया। कोई लड़के के होंगे तो उन्होंने देखी उसको, तो उसने उसका नाम बताया गोलू का और उसके बाप का। तो लड़के हमारे घर पर आए, उन्होंने बोला कि तुम्हारी बेटी को मारी। मैं गया तो मैं जाकर उठा कर लाया, चौकी में आया, फिर चौकी में आकर दरोगा से की तो दरोगा ने बोला कि तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब है तो कमरा ले जाओ थाने में, मैं आ रहा हूँ। कमरा थाने में भी गए तो कमरा क्या साहब ने बोला कि मेडिकल करा लो जाँच वाँच, तो वहाँ पर जाँच वाँच हुई नहीं और हमको कुछ एफआईआर में एफआईआर वगैरह कुछ भी नहीं दी, दोनों जगह उन्होंने रेफर कर दिया। बच्ची रास्ते में आ रही थी बेबे से, गोलू नाम का लड़का ज़बरदस्ती उठा के ले गया उसको, उसके साथ में उसने बलात्कार कुछ गलत काम किया उसको, और उसने कहा मम्मी से बोलो उसे पत्थरों से मार मार के बेहोश कर दिया। लड़की बेहोश हुई तो उसने सोचा कि लड़की मर चुकी है, वो झाड़ियों में जाके फेंक आया, ऊपर से झाड़ वगैरह डाला है। किसी लड़के ने जाके देखा तो घर आके बोला कि आपकी लड़की उस जगह पड़ी हुई है, तब हम उठा के लाए लड़की पे। तो पुलिस में आपने कंप्लेंट करी थी, धाराएं कौन सी लगाई थी पुलिस में? पुलिस में कंप्लेंट करना है तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, डायरेक्ट कुमराज के लिए रेफर कर दिया, तो कुमराज मेरा सीरियस है। लड़की लड़का कुमराज के रहने वाला है? नहीं, मेरा गुआस है। लड़की सीरियस थी तो उन्होंने कुमराज भिजा दिया, कुमराज में भी कुछ नहीं हुआ, गुना किया उन्होंने। आप क्या चाहते हो आपकी बच्ची को न्याय कैसे मिलेगा? न्याय बच्चे उसको अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अभी तक उसको कोई सजा ही नहीं मिली। पुलिस एक दिन नहीं गई घर पर और हमें भी डराया पुलिस ने ग्वालियर जाकर। कहाँ पर? ग्वालियर हॉस्पिटल में, ट्रामा सेंटर में। कौन आया था? ये मेरा गुआस का दरोगा गया, इसने बोला कि अगर आप कुछ कार्रवाई आगे करना चाहती है ना तो आपकी जो धारा मैंने लगाए वो भी मिटा दूंगा, उसको आपका कुछ भी नहीं होगा।
पुलिस चौकी गए, वहाँ भी भगा दिया कि जाओ आपको जो करना जो करो। अतिथि शिक्षकों द्वारा किया गया सुंदरकांड। अतिथि शिक्षकों ने बताया कि यह सुंदरकांड मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सद्बुद्धि के लिए किया गया है। वहीं अतिथि शिक्षकों को स्थायी करने की घोषणा करें। आपको बता दें कि अतिथि शिक्षकों द्वारा पिछले 5 दिनों से हड़ताल की जा रही है। मामा की सद्बुद्धि के लिए हमने जो प्रोग्राम रखा है सुंदरकांड का गुना जिले में, जिससे मामा को सद्बुद्धि मिले और अतिथि शिक्षकों का परमानेंट करने की सोचें। गुना जिले को मिली एक और सौगात। आज से बिलासपुर बीकानेर ट्रेन चालू हुई। यह ट्रेन बीकानेर से चलकर बिलासपुर तक जाएगी। अब इसका स्टॉपेज गुना के बाद सीधा मालखेड़ी रहेगा। बीच में पड़ने वाले अशोकनगर एवं मुंगावली में यह ट्रेन नहीं रुकेगी। यह ट्रेन 18 जुलाई से अपनी समय सारणी के हिसाब से ही चलेगी। आज बिलासपुर बीकानेर ट्रेन गुना पहुंची, जिसका कांग्रेस द्वारा स्वागत भी किया गया। क्षेत्र के सांसद श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार क्षेत्र में नागरिकों को अधिकाधिक सुविधा दिलाने के नाम पे सतत सक्रिय बने रहते हैं। आज के टाइम में अभी बीते समय में हम सफर रेल के रूप में चेन्नई से गुना क्षेत्र को जोड़ा और आज बीकानेर से लेकर के बिलासपुर तक के लिए एक साप्ताहिक रेल श्रीमान सिंधिया के प्रयासों से गुना होकर के चलना आरम्भ हो रही है। इससे पूर्व भी किसी समय में जब सप्ताह भर में 6 रेलगाड़ियाँ गुना स्टेशन से आकर के आती और जाती थी, आज सिंधिया परिवार के प्रयत्नों से और अभी विशेष करके बीते 10-12 सालों में श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयत्नों से गुना स्टेशन से प्रति सप्ताह 70 से अधिक रेलगाड़ियां आना जाना आरंभ हो गई हैं। निश्चित तौर पे ये एक अच्छे जनप्रतिनिधि की जनता को अच्छी से अच्छी सौगात देने के प्रमाण है और ये रेल आज उसका एक प्रमाण है। हम सब उनके प्रति कांग्रेस पार्टी की ओर से और आम नागरिकों की ओर से जो विकास में आस्था रखती है उनका आभार जताते हैं। जिले में संपन्न की गई लोक अदालत। लोक अदालत में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए, जिसमें आम जनमानस ने अपनी समस्याओं का निराकरण किया। वहीं नगर पालिका के स्टॉल पर जल कर एवं अन्य करों का भुगतान किया गया। साथ ही विद्युत विभाग के कई पुराने बिलों को रियायत देकर जमा करवाया गया। तीन वर्षों से ग्रामीण लगा रहे स्कूल में अपने गांव की बेटियों की जान की सलामती। प्राथमिक विद्यालय धरनावदा की वह बिल्डिंग जो कि पूर्ण रूप से जर्जर हो चुकी है, आज भी उसमें कक्षा लगाई जाती है, जिसमें पट्टियों का छत था, उसकी पट्टियां बीच में से टूट गई हैं एवं दरारें पड़ गई हैं। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें हैं, गार्डर जंग से खत गए हैं। बरसात में थोड़ा पानी गिरता है तो विद्यालयों की दीवारों के सहारे झरने की तरह बहने लगती हैं। बेटियों को पढ़ाने के लिए ग्रामीण हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बेटियों को स्कूल भेजने में डर सताता है। साथ ही ग्रामीणों को रहता है किसी अनहोनी का डर। धरनावदा से हमारे सहयोगी विवेक शर्मा की रिपोर्ट। शिक्षा विभाग लाख दावे दे कि वो अच्छी शिक्षा और पोषण युक्त आहार दे रहा है, लेकिन धरातल पर इसकी बात कुछ और ही निकल कर आती है। स्कूल में कच्ची रोटियां मिलती हैं, सब्जी में कभी नमक तेज तो कभी मिर्च ज्यादा, रोटियां भी दी जाती हैं तो सिर्फ दो। ये हम नहीं कह रहे, कंचनपुरा के स्कूल के बच्चे बता रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय कंचनपुरा के बच्चों ने बताया कि उन्हें कोई भी पौष्टिक आहार नहीं मिलता, बल्कि सिर्फ दो रोटियां और दाल में कभी पानी ही पानी या फिर नमक या मिर्च तेज मिलती है। न जाने क्यों ऐसे स्कूल पर शिक्षा विभाग कार्रवाई नहीं करता। कितने बजे आती हैं आपकी मैडम? अभी तक नहीं आई?
दोनों मैडम आती हैं? तीन आती हैं सर। तीनों रोज आती हैं? एक कल नहीं आई थी, बाकी डेली आती हैं तीनों। रोज टाइम पे स्कूल खुलता है? नहीं, कहीं के दिन नहीं खुला। नहीं खुला है। मैडम पढ़ाती हैं आपको? पढ़ाती हैं। तीनों मैडम आती हैं। अच्छा, खाना वाना बढ़िया मिलता है? नहीं मिलता। खाना मिलता ही नहीं है? मिलता सर, खाना कच्ची रोटी आती है, इतनी सी कच्ची रोटी आती है, छोटी छोटी सी। हाँ सर, और नमकीन भी टीचर जी का हम हटाने की कोशिश करते हैं, आता ही नहीं रहा। अच्छा, ये बोल रही हैं कच्ची रोटी मिलती है। और क्या होता है? और सर सब्जी आते कहूँ नहीं आए, कच्ची पानी आ जाता, वहाँ इतना पानी आते सर, दाल आते उसमें खारी आते सर, और एक एक चीज रोटी आते नेक नेक सी, और दो दो आते सर बेबी। हमारे सहयोगी सौरभ जैन की रिपोर्ट। डीजीआना न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।